अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल राजू लर्न पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लायर वॉल्यूम 4, जिसमें लेटर हेड भी हैं फ्लायर भी हैं, और आप इजीली जो है इसकी फाइबर अपर किसी पे भी सेल लगा सकते हो। तो इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट किए हैं PSD को या EPS को PSD में कन्वर्ट किया है, ताकि जो भाई फोटोशॉप में यूज़ करते हैं तो उनको भी आसानी हो जाए। तो ये डिज़ाइन देख सकते हैं, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका पासवर्ड भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको इसका पासवर्ड मिल सके। तो ये देख सकते हैं, ये आप सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्पेशली आप सब भाइयों के लिए हैं। तो ठीक है, तो आगे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये 30 डिज़ाइन है, तो बाकी आगे जो है वो आपको दिखा देता हूँ। वो आपको फ्लायर में भी यूज़ कर सकेंगे और उसको लेटर हेड में भी यूज़ कर सकेंगे, तो वो भी बहुत ही प्यारे हैं। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, आपको दूसरे फोटो में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये आप फ्लायर में भी यूज़ कर सकते हैं इनको, और लेटर हेड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इनको फ्लायर में यूज़ करें या लेटर हेड में यूज़ करें, क्योंकि मैं फाइबर पे इसको लेटर हेड में भी यूज़ कर रहा हूँ और फ्लायर में भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इनको आपको जो लेटर हेड है दूसरे तरीके से चाहिए, तो आप इसको रोटेट करके दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, तो डिज़ाइन जो है ऐसे ही रहेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें। तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, तो आपको ये दोनों फाइलें ओपन करके भी दिखा देता हूँ, अडोब लेटर में भी और PSD में भी। तो ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन है, और आपको इस तरह के पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे सिवाय मेरे चैनल के। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, ताकि आपको जो है इस तरह के लेटेस्ट डाटा आपको फ्री में प्रोवाइड करता रहूँ। तो बाकी ये ओपन हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे हैं, आपको ख़त्म नहीं होंगे जल्दी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, तो ये कन्वर्टेबल है, और अडोब लेटर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से एडिटेबल है। तो ये देखिए, ये फाइल आ चुकी है, तो ये हम इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो अडोब फोटोशॉप को भी ओपन कर देता हूँ। तो ये नीचे पासवर्ड जो है शो हो रहा है राजू, तो ये इसका पासवर्ड है। तो ये लगा के आप इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एडिटेबल है, तो यहाँ पे मैंने अडोब फोटोशॉप CS 2017 किया हुआ है, क्योंकि अडोब फोटोशॉप 7 में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देख सकते हैं, इसमें हम इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम इसमें से चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम रिमूव करके उसकी जगह से हम दूसरी कोई चीज़ लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सुमेर लिखा हुआ है, तो हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे डिलीट हो गया, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ बड़ा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ राजू। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, और इसका कलर जिस तरह वाइट है, तो इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। और ये वाइट नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ पे टैक्स, और इसको कर देता हूँ वाइट। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप अपना दूसरा चेंज भी कर सकते हैं, जो नीचे इसको लेटर हेड में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप जिस तरीके से इसको एडिट करना चाहें उसी तरीके से आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मूव टूल ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है हमारा, तो यहाँ पे देखिए इस लेयर पे पाथ पे सेलेक्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अगर इसकी जगह हम कोई चीज़ भी लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो गायब हो चुका है, और यहाँ पर हम इजिली जो भी चीज़ लिखना चाहें वो आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।